आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे ऐसी कुरकुरे टेस्टी नाश्ता कि इस नाश्ते को आप सुबह शाम चाय के साथ खा सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक कटोरी सूजी को छन्नी से छान करके इसको अच्छे से ले लिए हैं। साथ ही में एक छोटा छोटा कटोरी से भर के तिल ले लिए हैं, सफेद वाला तिल है। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच पीसी हुई हम यहाँ पर काली मिर्च को डाल दिए हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। यहाँ पर हम धनिया पत्ता को छोटा छोटा बारीक काट करके ले लिए हैं। एक मुट्ठी धनिया पत्ता को डाल देंगे। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे चीज को अच्छे से हम यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें से हम 2 से 3 चम्मच निकाल करके इनको हम अलग रख देते हैं। इनको हम बाद में यूज करेंगे, अभी इनको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम जो चम्मच से निकाल कर रखे हुए थे ना, तो इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जितना कि हमारा सूजी अच्छे से भीग जाए। सूजी में पानी डाल करके इनको अभी हम साइड में रख देते हैं ताकि अच्छे से हमारा सूजी फूल जाए। यहाँ हम गैस की तरफ आ गए हैं, गैस हम पर पैन बैठा करके गरम कर लिए हैं। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे घी। घी डाल करके गरम करके इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर आधा चम्मच जीरा। 2 से 3 हम यहाँ पर हरी मिर्च को काट करके ले लिए हैं छोटा छोटा। आप जितना तीखा खाना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम कद्दूकस करके हम थोड़ी सी एक टुसी अदरक ले लिए हैं। इन सब चीजों को हम ना अच्छा से थोड़ा सा हम क्रिस्पी कर लेंगे यानी भून लेंगे। यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारे भून गया है। अब हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर हम 2 से 3 आलू को कद्दूकस करके इनको 3 से 4 पानी हम अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं, इनको डाल देंगे। इन सब सारे चीजों को हम डाल करके इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि अच्छा सा ये इसका कच्चापन, आलू जो डाले हैं ना, इनका कच्चापन अच्छा सा दूर हो जाए। इन सब चीजों को ना हम अच्छे से 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे सारे चीज अच्छे से भून गए हैं। थोड़ा थोड़ा आलू भी आधा पक्कू हो गया है। अब इसमें ना हम पानी डालेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे ना जितना कि हमारा ये पक जाए, उतना ही पानी डालेंगे। पानी डाल करके इनको हम थोड़ा सा उबलने देते हैं। यहाँ देखिए आलू हमारे पानी अच्छे से उबल गए हैं। यहीं पर ऐड कर देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डाल करके इनको हम अच्छे से मिला देंगे। अब हम यहीं पर डाल देंगे हम सूजी, जो सूजी हम सारे चीजें मिक्स करके रखे हुए थे। यहाँ पर आंच आप धीमा रखिएगा क्योंकि सूजी बहुत जल्दी ही पकता है, पानी सूख लेता है, तो इसलिए यहाँ पर आंच को धीमा रखते हुए इनको हम अच्छे से इनको डो की तरह इनको हम पकाएंगे जब तक आलू और सूजी हमारे एक डो की तरह तैयार ना हो जाए। इनको हम आंच धीमा रखते हुए इनको हम अच्छे से एक डो की तरह पका करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अलग अलग डाले हैं ताकि अच्छे से अंजाज से मिल जाए। इसलिए हमारे देखिए अच्छे से तैयार हो गए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे सूजी पका करके अच्छे से हम डो के जैसे तैयार कर लिए हैं। इनको हम एक बाउल में रख देते हैं ठंडा होने के लिए ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए, तब इनको हम आगे के नाश्ता बनाएंगे। तब तक से यहाँ पर हम जो सूजी भिगो करके रखे हुए थे पानी में, इनको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए हमारे अच्छे से फूल गए हैं, तो इनको अच्छे से मिला करके इनको और इसमें और थोड़ा सा हम पानी डाल लेते हैं। डाल करके अच्छे से इनको हम मिक्स कर देते हैं, इनको साइड में रख देंगे। यहाँ पर देखिए सूजी हमारे ठंडा हो गए हैं। अब हाथ में थोड़ा सा हम लगा लेंगे घी। बच्चों के लिए बना रहे हैं इसीलिए हम घी में बना रहे हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आपको भी कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, रिफाइंड कुछ भी में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए तेल हाथ में लगा करके इनको अच्छे से हम डो की तरह मसल मसल कर सान लेंगे। इनको हम अच्छे से एक डो की तरह बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम ले लिए एक चॉपिंग बोर्ड। इसमें हम एक लोई ले लेंगे। लोई जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना, तो उसी तरीके से इनको हम बेल करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम रोटी नहीं बना रहे हैं, हमको रोटी जैसा पतला बेलना है। इनको हम थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। तो किनारे किनारे देखिए थोड़ा सा फटा जैसा हो गया है क्योंकि सूजी है, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। इनको हम किनारे किनारे इस तरीके से काट करके निकाल देंगे। निकाल करके दूसरे राउंड में उसको हम बना लेंगे। फिर देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ से हम निकाल दिए हैं। अब इस तरीके से आप कोई भी शेप दे सकते हैं, आप अपने पसंद से बड़ा या छोटा कोई भी जैसा आपको पसंद है आप उस तरीके से इसका शेप काट लीजिएगा। तो देखिए हम इस तरीके से हम काट रहे हैं लंबा लंबा। देखिए इस तरीके से हम काट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे हमारे ये नाश्ता वाला शेप कट के तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे चाहे तो सुबह शाम चाय के साथ बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा एक प्लेट बना करके रख दिए है। अब यहाँ देखिए हमारा आधी जो बच गया है डोनट, उनको हम कुछ अलग बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए छोटा छोटा बॉल जैसा बना करके इस तरीके टिक्की जैसा बना लेंगे। देखिए दोनों तरफ दो तरह के हम नाश्ता बनाए हैं, एक तरह देखिए इस तरीके से, एक तरह ये देखिए बॉल जैसा बना करके टिक्की जैसा बनाए हैं। यहाँ पर दोनों हम तैयार कर लिए हैं, दो किस्म का नाश्ता बना करके। यहाँ पर देखिए हमारा पानी वाला ये सूजी हमारा ये भी तैयार है। अब हम क्या करेंगे ना कि इस तरीके से एक नाश्ता लेंगे। इस तरीके से देखिए हम पानी में इस तरीके से भिगो करके इनको हम उसमें कोट कर देंगे। इनको हम लेकर के डाल देंगे तेल में।
गैस पर यहाँ पहले से ही हम तेल को गर्म करके रखे हुए थे, तेल हमारे अच्छे से गर्म हो गए हैं। इसमें हम सूजी में कोट करके इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे, पैन में हम डालते जाएंगे। आँच यहाँ पर आप धीमा नहीं रखिएगा, तेज रखिएगा। जितना ही आँच आपको यहाँ पर तेज रहेगा ना, उतना ही आपको ये नाश्ता पूरा और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। धीमा रखिएगा ना, ये आपको नाश्ता ऑयली ऑयली हो जाएगा, फिसलने लगेगा तेल में, तो इसलिए यहाँ पर आँच आप तेज रखिएगा। यहाँ पर देखिए उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से हमारे ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी है, कुरकुरा बन के तैयार हुआ है। इनको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए दूसरे राउंड में ये टिक्की वाला नाश्ता हम डाल दिए हैं। टिक्की वाला नाश्ता को भी उसी तरह से हम डालना है जिस तरीके से वो हम डाले हैं ना, उसी तरीके से हम कोट करेंगे, हम तेल में डालेंगे। आँच को हम तेज रखेंगे, उलटते पलटते हुए इनको भी हम दोनों तरफ से हम पका लेंगे। तो देखिए अभी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे नाश्ते को बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे सारे नाश्ते बन के तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी है, बहुत ही कम समय में। बारिश के मौसम में आप इसे चाहे तो बना करके खा सकते हैं चाय के साथ, अपने सास ससुर अपने हस्बैंड को किसी भी बच्चे को भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई नई नई रेसिपी के साथ। तब तक से बाय बाय।